सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.5, ड्राई सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्राई सर्कल हुज रेडियस इज 3.4 सेंटीमीटर विद सेंटर सी. ड्रा एनी कोण ए बी. नाउ यू हैव टू ड्रा एनी कोण ए बी. कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड एग्जामिन इफ इट पासिस थ्रू सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 3.4. दिस इज योर रेडियस एंड यू हैव टू टेक सेंटर सी. सो दिस इज योर सेंटर एंड 3.4 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू टेक a compass. Now you have to open the compass of radius 3.4 centimeter. Put the tip of the compass at point C and open 3.4 centimeter and draw a circle whose radius is 3.4 centimeter. Now next is construct the perpendicular bisector of AB. Draw any chord AB. As you know that this is your chord. Chord means क्या होता है कि सर्कल में कहीं भी टू पॉइंट्स को मिलाकर आप क्या बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. The name of this chord is AB. Now you have to draw the perpendicular bisector. Perpendicular means 90 degree. Bisector means क्या है कि आपने उसका हाफ करना है. सो यू हैव टू बाइसेक्ट ए बी. नाउ पुट द टिप ऑफ द कंपास एट पॉइंट ए एंड ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी. ए बी का जो हाफ होगा, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज्यादा आपने लेनी है एंड ड्रॉ आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी. इन द सेम वे you have to draw another two arcs at point B and draw two arcs which cut the previous arc at point. These two arcs intersect each other at point E and F. Now join E F. This is E F. Next is examine if it passes through C. Now EF passes through the point C, which is the center of the circle.